नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमोर्टल थॉर का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर एक और परीक्षा पार करने के लिए ज्यूस से लड़ाई की और उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली, और तब थॉर को व्हील ऑफ टाइम दिखने लगा। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक जगह देखते हैं जहां पर एक साइंटिस्ट एक आदमी को लाती है, और तब वो आदमी देखता है कि उस जगह पर एक चैम्बर है। ये देखकर वो आदमी वहां की व्हील घुमाता है। यासिन शिफ्ट होती है और अब थॉर को देखते हैं जिसने ज्यूस की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था, और तब थॉर कहने लगता है व्हील बदलने लगा है और वो सब कुछ कुचल देगा। या हरकुलिस ये देख रहा था, और तब हरकुलिस थॉर से कहता है, थॉर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुमने मेरे पिताजी की पावर एब्सॉर्ब की है और उसी के साथ उनकी डार्कनेस भी, और ये डार्कनेस तुम्हें खा जाएगी, इसलिए तुम्हें ये पावर्स वापस लौटानी होगी। जिस पर निक्स हरकुलिस से कहती है, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? अगर थॉर ने ये पावर वापस लौटा दी तो ये पावर पुनः ज्यूस के पास चली जाएगी और फिर हम वही पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। जिस पर हरकुलिस निक्स से कहता है, अगर ऐसा है तो थॉर की मदद करो, उसके अंदर से पावर निकाल लो और अपने पास ले लो। जिस पर निक्स कहती है, मैं इसे कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो पावर चाहिए थी वो मेरे पास है, मैंने अपने बेटे हिप्नोस को डेलाइट से जुड़े मैटर संभालने को कहा है, इसलिए थॉर मेरे लिए अब सिर्फ चमकीला कीड़े के समान है। ये कहते निक्स वहां से चली जाती है। ये देखकर हरकुलिस निक्स को बुलाने लगता है। तभी लोकी हरकुलिस से कहता है, थॉर तुम्हारा दोस्त है और ज्यूस तुम्हारे पिताजी, तो ये तुम्हारा काम बनता है, तो फिर निक्स उसमें क्या कर सकती है। ये सुनते हरकुलिस को गुस्सा आता है और वो लोकी का गला पकड़ लेता है और कहता है, बस मुझे एक रीजन बताओ जिसे मैं तुम्हें मारने से रोकूं। जिस पर लोकी कहता है, वो रीजन ये है कि तुम होशियार हो। तभी एथना पीछे से आती है और हरकुलिस से कहती है, तुमने पहले ही यूरेस की परीक्षा पार कर ली है हरकुलिस। जिस पर हरकुलिस कहता है, ये तुम्हें कैसे पता, तुम ग्रेट गॉड्स में से हो और ये हमारा रूल्स नहीं है और ना ही हमारी मैजिक। ये कहते हरकुलिस लोकी से कहता है, मैं यहाँ खो चुका हूँ और ये यूरेस कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। जिस पर लोकी कहता है, ये यूरेस एरेक को रिप्रेजेंट करता है, अडुमला जो व्हाइट केटल की चिल्ड्रन है, एक प्राइमल बीस्ट जिसने दूध और लाइफ दी, लेकिन अब ये सब कुछ जा चुका है, वो भी मॉर्टल्स के कारण। या थॉर कहता है कि ओल्ड बीस्ट मर चुका है। जिस पर थॉर के अंदर से आवाज आती है जो कहता है, सब कुछ एक ना एक दिन खत्म होगा, लेकिन तब थॉर उस आवाज से कहता है, चुप हो जाओ। जिस पर वो आवाज कहता है कि गॉड को भी उसका फेथ अपनाना पड़ता है क्योंकि व्हील ऑफ फेथ मेरे हाथ में है। ये सुनते थॉर अपना हैमर घुमाने लगता है और कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते थॉर अपना हाथ ऊपर करता है और ज्यूस की सारी पावर को कंट्रोल में लाता है। तभी ज्यूस की पावर कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो। जिस पर थॉर उस पावर से कहता है, मैं तुम्हें कंटेन कर सकता हूँ। ये कहते थॉर उस सारी पावर को अपने अंदर से निकाल कर अपना बेल्ट बनाता है और फिर उस सारी पावर को शांत करके खुद शांत हो जाता है और कहता है, मैंने ज्यूस की पावर को इस्तेमाल करके ज्यूस की पावर को कैद किया है। जिस पर लोकी थॉर से पूछता है, तो रीडर का जवाब क्या है। जिस पर थॉर कहता है, तुम्हारा सवाल ये था कि मैंने अब तक कौन से डार्क फोर्स का सामना किया है, और इसका जवाब है मैजिक, रून मैजिक, स्कल मैजिक और तुम्हारी मैजिक, पर अब तुम मुझ पर कोई मैजिक नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अब तुमसे बढ़कर हूँ और ये बात तुम जानते हो। तुमने मुझे ज्यूस से भी बड़ा मॉन्स्टर बना दिया, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, फिर चाहे तुम विलन हो या नहीं। जिस पर लोकी थॉर से कहता है, ऑल फादर को इतना क्रोध शोभा नहीं देता है, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। जिस पर थॉर लोकी से कहता है, मैंने अब तय किया है कि एस्गार्ड को अगर कोई स्काल चाहिए तो वो ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं ऑल फादर तुम्हें इस गोल्डन रियलम से बहिष्कार करता हूँ। ये कहते थॉर अपनी पावर से लोकी को कहीं भेज देता है और फिर वही शांत खड़ा रहता है। तो वही एंजेला कमजोर ज्यूस को उठाने लगती है। तभी थॉर इन सब को देखता है और कहता है, चलो अपने घर चलते हैं, फिर उसके बाद हम एस्गार्ड को देखते हैं, जहाँ पर थॉर और बाकी सब आ जाते हैं। तभी लेडी सिफ थॉर से कहती है, थॉर यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है। जिस पर थॉर लेडी सिफ से कहता है, हम उसमें बात करेंगे,
लेकिन उससे पहले मेहमानों की जरूरतें पूरी करनी होगी। हिप्नोस पे ध्यान देना होगा और ज्यूस का इलाज करना होगा, क्योंकि मैंने उसके पावर्स छीन ली है और उसे नया बेल्ट बनाया जिस पर सिर्फ कहती है हाँ वो मैंने देखा। तभी थॉर लेडी सिफ से पूछता है तुम क्या कह रही थी, जिस पर लेडी सिफ कहती है कि एक एस्गार्डियन इतने सालों बाद मिलने आई है। यह सुनते ही ओकुलस थॉर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ, जिस पर थॉर कहता है तुमने कहा इतने काफी है, लेकिन ये फैमिली का मामला है। यह कहते हुए थॉर उस एस्गार्डियन के पास आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एनचेंट्रेस थी। तभी थॉर एनचेंट्रेस को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर एनचेंट्रेस कहती है मैं यहाँ तुम्हारे एक्स को देखने आई थी क्योंकि उसके ब्लेड बड़े तेज है। यह सुनते हुए थॉर लेडी सिफ की ओर देखता है और कहता है तुमने इसे आने दिया, जिस पर सिफ कहती है तुमने मुझे बताया नहीं था तो मैं क्या करूँ, जिस पर थॉर सिफ से कहता है मैं इस पे बाद में बात करूंगा। यह सुनते हुए सिफ वहां से चली जाती है। तभी जाते हुए एनचेंट्रेस कहती है मेरा ध्यान तुम पर हमेशा रहेगा। तभी एनचेंट्रेस थॉर से कहती है ये अब मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने ही बिल से कहा था। वैसे ये और बिल के बीच सब ठीक है, जिस पर थॉर एनचेंट्रेस को चुप करवाता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं इन गेम से तंग आ गया हूँ, इसलिए बस मुझे बता दो कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर एनचेंट्रेस कहती है कि मुझे लगा स्क्रच ने तुम्हें अच्छा समझाया होगा, जिस पर थॉर कहता है तुम उसके कहने पर यहाँ आई हो ना, वो मुझसे मेरा हैमर और एक्स मांग रहा था ताकि मेरी डेथ को वो अपनी बना सके। मैं तुम सब लोगों से तंग आ चुका हूँ और कोई मेरा फेट डिसाइड करने लगा है। ये कहते थॉर बैठ जाता है। ये सुनते ही एनचेंट्रेस थॉर के गोद में बैठ जाती है और कहती है मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें खतरे में नहीं बचाऊंगी। ये कहते ही एनचेंट्रेस उठ जाती है। तभी थॉर एनचेंट्रेस से पूछता है तुमने स्क्रच की सहायता क्यों की, मैं जानता हूँ कि स्क्रच तुम्हारे इशारों पे चल रहा है, तो बताओ मुझे तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर एनचेंट्रेस कहती है मैंने ही तुम पर मैजिक का इस्तेमाल किया था और लोगों को तुम्हारे अगेंस्ट किया, ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे माफ करने वाले हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें की। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने क्या किया था, क्या तुम्हें याद है। ये सुनते थॉर को आयरिक याद आता है जो कि एनचेंट्रेस का बेटा था। तभी थॉर कहता है वो एस्गार्ड पे था और मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन जब उसने अपने अंत का सामना किया तब मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इन बातों के लिए मुझे जिम्मेदार मानते हैं। जिस पर एनचेंट्रेस कहती है हाँ और कुछ इस तरह ही मिडगार्ड पर लोग है, लेकिन मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखा सकती हूँ अगर तुम मेरे बेटे को वापस लाओगे तो, जिस पर थॉर मना करता है। या दूसरी तरफ हम चैम्बर देखते हैं जहाँ पर एक साइंटिस्ट कुछ प्रयोग कर रही थी। तभी वो चैम्बर खुलता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट कहती है प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, सब्जेक्ट बाहर आ जाओ। तब एक आदमी उस चैम्बर से बाहर आता है और उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या ये प्रक्रिया पूरी हो गई, जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि आपने जैसे बॉडी मांगी थी वो मिल चुकी है और आप इस समय उसके शरीर में हो। यह सुनते ही वो आदमी बाहर आता है और तैयार हो जाता है और कहता है गॉड्स ने दारियो एगर को मार डाला, इसलिए मैं दारियो एगर अब फिर से एक शरीर में वापस आ गया हूँ इन गॉड्स को मारने के लिए। यह कहते हम देखते हैं कि मिनिचर अपने एक नए रूप में वापस आ चुका है। एंड दैट्स इट, यह इशू यही कंटिन्यू होता है।